नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। आज बात करेंगे थ्री फेस लोको में HB टू पैनल में लगे सभी कॉन्टेक्टर और MCB के बारे में, कौन सा कॉन्टेक्टर किस समय काम आता है और MCB ट्रिप होने पर उसको रिसेट किस तरह से किया जाता है, उसकी पूरी डिटेल में इस वीडियो में आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लोको से संबंधित वीडियो की जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लोको का HB टू पैनल, जो थ्री फेस लोको में HB टू पैनल लगा हुआ रहता है वो HB टू पैनल है। और अब इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हुई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं यह है एसी पावर सप्लाई का कॉन्टेक्टर 52.7। इसके बाद यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर और लगा हुआ है, ये बड़ा कॉन्टेक्टर दिख रहा है आपको 47.2/2। ये जो है मेन कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर है, जो मेन कंप्रेसर हमारा लगा है उसका कॉन्टेक्टर है। उसके पास में यहाँ 52.6/1 और 52.6/2 दो छोटे कॉन्टेक्टर आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये लोड शेयरिंग के समय काम आते हैं। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर हैं और इनके मेन कॉन्टेक्टर अभी नीचे की तरफ लगे हैं, वो आगे वीडियो में आपको बताएंगे। ये लोड शेयरिंग के समय ये कॉन्टेक्टर काम आते हैं। देखिए, अभी एक एनर्जाइज है, एक डीएनर्जाइज है। इसका मतलब जब भी कोई ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होगा उस समय ये भी ऑन हो जाएगा, तो लोड शेयरिंग में काम आएगा। उसके बाद यहाँ आगे 89.2 अर्थ फॉल्ट रिले लगी हुई है। ये अर्थ फॉल्ट रिले जितनी भी थ्री फेस ऑक्सिलरी है उनके काम आती है, उनमें अर्थ फॉल्ट चेक करने के काम आती है। उनमें अगर अर्थ फॉल्ट आएगा तो ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पे MCB है 62.1/2। ट्रांसफार्मर जो है ऑयल पंप की MCB है, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप की ये MCB है। उसके बाद में यहाँ पे 63.1/2 जो ट्रैक्शन कन्वर्टर का ऑयल पंप रहता है उसकी ये MCB है, रोटेटिंग टाइप की MCB है ये। नेक्स्ट 47.1/2 मेन कंप्रेसर जो लोको में लगा है उसकी ये दो नंबर कंप्रेसर की ये MCB है। एक नंबर कंप्रेसर की MCB HB1 पैनल में होगी। उसके बाद यहाँ पे ये जो MCB है 53.1/2 जो ट्रैक्शन मोटर ब्लोवर है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोवर 2 उसकी ये MCB है, जो ट्रैक्शन मोटर को ठंडा करने का ब्लोअर है उसकी MCB है। उसके जस्ट पास में 55.1/2 जो ट्रैक्शन मोटर का जो ब्लोअर रहता है उसके स्केंजिंग ब्लोअर की ये MCB है। स्केंजिंग ब्लोअर जो डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है उसकी ये MCB है, जो कि OCB के भी काम आती है। OCB के स्केंजिंग ब्लोअर में भी ये काम आएगी। उसके बाद में 59.1/2 ऑयल कूलिंग ब्लोअर OCB, OCB 2 की ये MCB है। अब ये जो ऊपर की तरफ जितनी भी MCB लगी है ऊपर की तरफ, ये थ्री फेस ऑक्सिलरीज की MCB है। जो भी ये ऊपर की तरफ लगी हुई है थ्री फेस ऑक्सिलरीज की MCB है। अब नीचे की तरफ देखिए आप, यहाँ पे नीचे की तरफ ये 54.1/2 MR ब्लोअर की MCB है। देखिए, अभी ये थ्री फेस, ये MCB भी थ्री फेस में आ चुकी है, थ्री फेस MCB है ये। और पहले जो MCB आती थी वो ये वाली सिंगल फेस MCB आती थी, ये अभी ये मॉडिफिकेशन करके थ्री फेस MCB इसको कर दिया है, ठीक है। उसके जस्ट पास में 56.1/2 स्केंजिंग ब्लोअर MR, मतलब मशीन रूम का स्केंजिंग ब्लोअर है। जो ये मशीन रूम की MCB है उसके स्केंजिंग ब्लोअर की ये MCB है। और उसके जस्ट पास में ये पावर सप्लाई टू केब एसी, लोको में अगर केब एसी लगा होगा तो ये उसके लिए MCB लगी हुई है। ये मेन MCB है और उसके जस्ट पास में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैप सिलेक्ट करने के लिए MCB है। ऊपर की तरफ कैप 1 और नीचे की तरफ कैप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं आप इससे। ये उसकी कैप सिलेक्शन के लिए MCB लगी हुई है। यहाँ नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ ये दो बड़े कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। जो हमने ऊपर की तरफ आपको दो छोटे कॉन्टेक्टर दिखाए थे 52.6/1 और 52.6/2, ये उसके मेन कॉन्टेक्टर हैं।
जो कि लोड शेयरिंग के लिए काम आते हैं। ये मेन कॉन्टेक्टर है और जो ऊपर की तरफ हमने दिखाए थे वो इसके ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, ये जो ऊपर की तरफ दिखाए थे हमने ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है इनके, और ये मेन कॉन्टेक्टर है ऑक्सिलरी पावर सर्किट में लगा हुआ। ये मेन कॉन्टेक्टर है जो कि लोड शेयरिंग के समय काम आता है, जब भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होता है तो ये लोड शेयरिंग के लिए काम में आते हैं। दोस्तों आज हमने आपको इस वीडियो में थ्री फेस लोको में SB2 पैनल में कौन कौन सी MCB और कॉन्टेक्टर लगे होते हैं उसकी पूरी जानकारी डिटेल में बताई है और प्रैक्टिकली बताई है। और इस SB2 पैनल में अगर कोई भी MCB ट्रिप होती है तो उसको रिसेट करने के लिए आपको केवल VCB ओपन करना होता है और MCB रिसेट कर देनी होती है। इसमें आपको कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं रहती है।